एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही इंस्टेंट बनेगा, बस एक बार में सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है प्याज, छोटे साइज़ के 5 प्याज ली है, और सारे इंग्रेडिएंट मैं स्क्रीन में मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 5 प्याज, छोटे छोटे, मीडियम होंगे तो 3, 2 हरी मिर्ची, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर, और छोटे हैं तो 3 टमाटर, और उसके बाद यहाँ पे 3 छोटे चम्मच तरबूज की बीज, यानी कि जो मेलन सीड्स वो है, इसकी जगह आप काजू, 4 से 5 काजू ले सकते हैं। और साथ में मसालों में मैंने लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, पिसी हुई धनिया 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्ची 1 छोटा चम्मच, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून हल्दी। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में, और इसके साथ ही साथ अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप वाटर, क्योंकि पानी से इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी, अब इसे बिल्कुल फाइनली ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका बना लेंगे। उसके बाद अब आप देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल रेडी है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे मसालों को भुनने में। तो उसके लिए लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे 3 छोटे चम्मच ऑयल के। यहाँ पे आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ऑयल 3 चम्मच, उसको अच्छे से हीट करेंगे, और जब वो गर्म हो जाएगा थोड़े से होल स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर, जो कि है 2 तेज़ पत्ते हैं यहाँ पे, 2 हरी इलायची मैंने ली है, थोड़ा सा सौंफ लिया है, थोड़े से 4 से 5 लौंग ली है, और इन सबको अच्छे से तेल में कड़कने देंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, और उसके बाद जस्ट मसालों को ऐड कर देंगे, और उसके बाद मसालों को भुनेंगे लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम में स्टार्टिंग में, और जब थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तो लो कर देंगे, ताकि जो मसाला है वो धीमी आंच पे अच्छे से भुन जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी फ्रोज़न हरी मटर। यहाँ पे जो हरी मटर है करीब मेरे पास 1/2 कप के करीब है, और आप चाहें तो मटर थोड़ी और ज़्यादा भी ले सकते हैं। फ्रोज़न मैंने यूज़ की है तो ये मसालों के साथ ही पक जाएगी, जैसे जैसे मसाले भुनेंगे और जो मटर है वो भी बिल्कुल टेंडर हो जाएगी। तो अभी इस पे लिड लगा दिया मैंने, और उसे 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकने देंगे। 5 मिनट बाद जब आप लिड हटाएंगे तो आप देखेंगे जो बटर है, बटर के दाने बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं, और जो तेल है वो ऊपर आ गया है। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है 1 कप के करीब, और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे कि मुझे थोड़ा सा और पानी ऐड करना है इसके अंदर, तो मैं थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के करीब, और ग्रेवी मैंने पतली कर ली है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसको बॉयल होने देंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से बॉयल हो जाए, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो इसको मीडियम टू लो के बीच पे इसको उबलने देंगे। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी पे अच्छे से उबाल आ गया है, ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से वेल बॉइल्ड दिख रही है। तो अभी इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पे पनीर मैंने लिया हुआ है 200 ग्राम्स के करीब पनीर है, और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चौकोर क्यूब्स में कट कर लिया है, और उसके बाद इसको ग्रेवी में डाल दिया। अब इसको 1 बॉयल आने तक और पकाएंगे, और बस उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब लगा देते हैं इस पे लिड, और इसको पकाते हैं 1 मिनट के लिए। आप पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली इस तरह ही पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी धनिया। हरी धनिया बिल्कुल फ्रेश है, उसको फाइनली चॉप करके मैंने डाल दिया, गैस ऑफ कर दी, और अब इसे सर्व कर सकते हैं आप। इसको अच्छे से मिक्स कर लें धनिया को, और इसे नान के साथ या फिर पुलाव के साथ इसे सर्व करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। रोटी भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।